हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, गुलाब के पेड़ों में अभी आजकल तो बहुत फूल आ रहे हैं, लेकिन एक दो समस्याएं बड़ी कॉमन होती हैं। क्या होता है कि हमारा प्लांट तो जैसे बहुत हेल्दी है ना, खूब पत्तियाँ भी बहुत अच्छी हैं, फॉलिएज बहुत अच्छा ग्रीन हो रहा है, पत्तियों का साइज़ बिल्कुल सही है, ग्रीन है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, और नई नई शूट्स भी आ रही हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि उसमें कलियाँ नहीं आ रही, फूल नहीं आ रहे, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये ठंड में भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है उसमें भी हो जाती हैं, या बारिश के दिनों में भी हो जाती है, जब सूरज कम निकलता है ना, तब भी हो जाती है, गर्मियों में भी हो जाती है। मतलब इसके निकलने का, इस जो प्रॉब्लम है, इसके होने का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, ये कभी भी हो सकती है, और वेदर की एक्सट्रीम कंडीशंस पे होती है ज़्यादा करके। तो ये जो प्लांट हेल्दी है, शूट्स नहीं निकल रही हैं, लेकिन कलियाँ नहीं आ रही, फूल नहीं आ रहे, इसको कहते हैं ब्लाइंड शूट प्रॉब्लम। तो ये जो ब्लाइंड शूट प्रॉब्लम होती है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और ये क्यों होती है, आज हम इसी पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह की हो जाती है कई बारी कि आपके बाकी प्लांट तो बिल्कुल सही आ रहा है ना, एक दो ब्रांचेस पर फूल भी आ रहे हैं, लेकिन ये इधर से ऐसा हो गया है ना। अब इसमें देखिए, आप यहाँ से कोई आपको लगती नहीं कुछ ग्रोथ होगी, क्योंकि वो शूट इतना बारीक है कि उसमें कुछ भी कली का वजन संभाल पाने की जगह ही नहीं है। और दिखाती हूँ, ये देखिए, ये न्यू ग्रोथ निकली हुई है, इस पर आप पत्ती का कलर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई शूट नहीं, कोई कली नहीं है, कोई वो नहीं है। इसी तरह से और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, प्लांट तो हमारा बड़ा मैच्योर है, आप देख रहे हैं काफ़ी नीचे घना है, मोटा, लेकिन ये ब्रांचेस कितनी लंबी हो गई है, समझिए 2-3 फीट ऊंची हो गई है, लेकिन यहाँ पे भी पत्तियाँ निकलती जा रही हैं, है ना, लेकिन कोई इसमें ग्रोथ नहीं है, कोई कली नहीं है ऊपर, ये देखिए कोई कली नहीं है, लीफ की है, पिंक कलर की लीफ ही बनी हुई है ना। और ये जो ब्रांच निकली हुई है, प्लांट की ओरिजिनल ब्रांच ही है ना। पत्तियाँ भी देखिए आप, उसमें पूरी टोटल 5 पत्तियों वाली हैं, कोई तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि ये कोई सकर निकल के बढ़ गया है या प्लांट हमारा जंगली हो गया, ऐसा भी नहीं है। और हमने खाद भी अच्छी दी हुई होती है इनमें, है ना। और अब ये देखना है कि किस लिए हो रहे हैं और इनका क्या इलाज है। फ्रेंड्स, पहला तो ये कि जैसे अक्टूबर में हम प्लांट्स की, रोजेस की कटिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो उस टाइम हो सकता है हमने लेट किया हो, है ना, अक्टूबर के लास्ट वीक में कर दिया हो, क्योंकि फर्स्ट वीक में ही करना होती है, ठीक है। कमज़ोर ब्रांचेस निकलती हैं, तो उनमें क्या होता है, फूल निकलने की, कली निकलने की हिम्मत ही नहीं होती, उनमें इतना स्ट्रेंथ ही नहीं होता कि वो कली को या फूल को जन्म दे सकें, ठीक। एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि हमने जो खाद दी है प्लांट को, जो खाद दी हो सकता है ओवर नाइट, ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद दे दी हो हमने, तो उसके कारण क्या, फॉलिएज तो खूब सुंदर है लेकिन कली फिर भी नहीं आई, फूल नहीं आई। और ज़्यादा फूल खिलने के लिए हमको क्या चाहिए, पोटेशियम और फॉस्फोरस वाला खाद चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसको आप, ब्लाइंड शूट होने का एक कारण और भी हो सकता है कि एक्सट्रीम वेदर, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, जैसे अभी दिसंबर में खूब तेज पड़ी थी ना ठंड, जनवरी में बहुत तेज पड़ रही है स्टार्टिंग में, और या बहुत तेज गर्मी चिलचिलाती हुई, है ना, या बारिशों में जब लगातार बारिश होती है, धूप नहीं निकलती, उस टाइम भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इनको ठीक करना बहुत आसान है, और आगे मैं बता रही हूँ आपको कि इनको कैसे ठीक करते हैं। इसी तरह से देखिए, इस पर भी नहीं निकली कोई भी शूट, कोई भी न्यू शूट नहीं निकली, यहाँ आके जैसे डेड एंड सा हो गया प्लांट का, है ना। तो अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे, इसको ठीक करने के लिए पहले तो हम इनको थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, है ना। तो आप कटिंग कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ से भी कटिंग कर रहे हैं कर दीजिए, और इसकी भी मैं इसी के बराबर से करती हूँ। कटिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि हमको नोड के ऊपर से कटिंग करनी है, ताकि नोड्स पे से नई ब्रांचेस निकल आएँ, ठीक है। और जो पार्ट हमने काटा है उसके ऊपर, यहाँ से इसमें या तो आप हल्दी लगा दीजिए, है ना, और या आप इस पर कोई अच्छा फंजीसाइड भी लगा सकते हैं, बाविस्टिन साफ या ट्राइकोडर्मा, जो आपके पास हो वो लगा दीजिए। हल्दी तो सब घरों में होगी, वो आप लगा दीजिए, उससे क्या है कि ये यहाँ से ओपन वुंड इनके बंद हो जाएंगे, तो यहाँ से आपके प्लांट में डाईबैक की समस्या नहीं हो सकती, ठीक है। इस वाले प्लांट की एक्चुअली ना कटिंग देर से हुई थी, तो इसमें काफ़ी सारी हैं ये समस्या। तो मैं इसको काट के आपको दिखाती हूँ पूरा, है ये देखिए, एक ब्रांच ये भी काट देती हूँ, एक यहाँ से ये भी काट दिया है, इसको भी काट दिया, कई बार क्या होता है प्लांट में ना एक दो फूल आके और फिर आने बंद हो जाते हैं, तो आप बेस्ट है कि उसको काट दीजिए, उससे क्या होगा कि वहाँ जो आपने काटा है ब्रांच में, तो वहाँ से दोबारा हार्मोन बनने लगेगा नई ब्रांच निकलने के लिए, और उसमें फिर अच्छी, क्योंकि थोड़ा नीचे से काटा है तो वहाँ से एक हेल्दी शूट निकलेगा और प्लांट में अच्छी ग्रोथ होने लगेगी।
सब पे हल्दी लगा दे रही हूँ, अभी तो मेरे पास यही है क्विकली, है ना। ठीक है, अब जो दूसरी ये जो ब्रांच लंबी हो गई थी इसको भी हम अब आधा काट देते हैं, है ना। आप भी हिसाब से देखिएगा, आपके प्लांट की जो भी शेप बन रही हो उसके हिसाब से काटिए, और काटते टाइम नोड्स का ध्यान रखिए कि नोड के ऊपर से काटें। तो अब यहाँ से और यहाँ से जो भी नई शूट निकलेंगी उनको ये इस ऊपर की जो फालतू ब्रांच में जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे थे वो इसी में मिलेंगे और इनमें दोबारा कलियाँ बनने लगेंगी। अब आपको क्या करना है, ये तो आपने कर दिया, प्रॉब्लम तो थी उसके एक तरह से तो टैकल हो गई है। दूसरा ये है कि आप गुड़ाई करके खाद दीजिए। तीसरी ये है कि प्लांट को कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिले ही मिले विंटर्स में, और समर्स में आपको तो ये मॉर्निंग की धूप मिल जाए तो सफिशियंट होती, 2-3 घंटे की मॉर्निंग की मिल गई तो ठीक है। इसके साथ ही जो मैंने आपको कहा कि नाइट्रोजन वाला खाद हो सकता है ज़्यादा दे दिया गया हो, तो इस करके फॉलिएज तो आ रहा है लेकिन कलियाँ नहीं आ रही, तो अब इसके लिए क्या है आपको फॉस्फोरस रिच देना है, तो बेस्ट है कि आप इसमें बॉन मील दीजिए। और यदि आप बॉन मील नहीं देना चाहते या नहीं देते आप बॉन मील, तो आप बनाना पील फर्टिलाइज़र दीजिए। बनाना पील फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज जो बिल्कुल सिंपल और बहुत क्विक मेथड है वो ये है कि आप बनाना की बहुत बारीक बारीक पीसेस कीजिए और उनको नीचे मिट्टी में गड़ा दीजिए, कम उसकी स्टेम से थोड़ी दूर समझिए 4-5 इंच दूर करके, और रिंग बना के उसमें गड़ा दीजिए वो केले के बारीक बारीक कटे हुए छिलके, ठीक है ना। तो उससे इसको वो मिलेगी और फिर आपको असर कम से कम 15-20 दिन में देखने को आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताई समस्या के हल होने का रेमेडी, और ऐसी कुछ खास नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपने मेरा वीडियो आपको मेरा पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।